हुकूमत ने तूफान पैट और इसके नतीजे में होने वाली बारिशों के पेश नजर बदीन के 5 इलाकों अहमद राजो सिराणी कड्डण बेडमी भोगरा मेमन को हसास करार देकर इनके 4000 से जायद मकीनों को 12 रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया। तहम लोगों की बड़ी तादाद रिलीफ कैंपों के नाकिस इंतजाम और अपने सामान की हिफाजत की वजह से यहीं मौजूद है। इनका कहना है कि जान रोजगार से बढ़कर नहीं ज्यादा रोजी को मत जान रोजी को मत कौन रोजी मोटी करा दे। लोगों का कहना है कि ये इलाके खतरनाक सही, तहम यहाँ इनकी करोड़ों रुपए की कश्तियाँ और जाल हैं, जिनके चोरी होने के खदशे के पेश नजर वो यहाँ रुकने पर मजबूर हैं। जाल है, पटी है, किस्ती सारे इधर पड़ी हुई हैं। बस इधर के ये छोड़ के जाएंगे ना, फिर कल अल्लाह ना खैर कर कोई इधर बंदा आके लेके जाए, वो उसका कौन जिम्मेदार बढ़ेगा? हुकूमत बढ़ेगी। अपनी जान जोखम में डालने वालों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की वजह से आज वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तूफान के करीब आने के साथ साथ हुकूमत के हिफाजती इंतजाम भी तेज होते जा रहे हैं। तहम इन इलाकों के मकीनों के तहफ़ुज़ात दूर ना किए गए तो तमाम तर हिफाजती इकदाम के बावजूद बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। कैमरामैन फरहान गुल के साथ मोहम्मद मोहसिन, 0 पॉइंट, बदीन।